फिरोजपुर रोड पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जमात इस्लामी हल्का खवातीन के जेर एहतमाम मेरा वतन संवार दो जलसे से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। इंतहाई काबिल एहतराम बहन मोहतरमा दुर्दाना सदीकी साहिबा, मोहतरमा समीना साहिबा, मोहतरमा बहन उज़्मा इमरान साहिबा, राशिदा शाहीन साहिबा, अमीर जमात इस्लामी लाहौर जनाब ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, साबिक अमीर लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद जनाब कैसर शरीफ साहब, और मेरे लिए इंतहाई काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बहनों और बेटियों, बैठकर भीख मांगेंगे, खैरात पर गुजारा करेंगे, या इस मुल्क में कोई निज़ाम है? इस वक्त कोई निज़ाम नहीं है। तो माओ बहनों और बेटियों, आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है एक अजीम मकसद के खातिर, एक अजीम मंजिल के खातिर। क्या मकसद है हमारा? और मैं तो आज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे बहनें शायद पहली बार जमात इस्लामी के इज्तिमा में आई हो, वो सोचते होंगे कि जमात इस्लामी और बाकी पार्टियों में फर्क क्या है? क्या ये भी मुस्लिम लीग की तरह एक पार्टी है? क्या ये भी पीपल्स पार्टी की तरह एक पार्टी है? क्या ये भी पीटीआई की तरह एक पार्टी है जो जरदारी खानदान के खातिर, जो शाहबाज शरीफ के खानदान के खातिर, या किसी फर्द वाहिद और जात के खातिर काम करती है? नहीं, जमात इस्लामी और बाकी पार्टियों में फर्क यही है कि हम मखलूक खुदा को उस खालिक की तरफ बुलाते हैं जिसने पैदा किया है, जिसने इंसान के लिए जमीन को फर्श बनाया, आसमान को छत बनाया, चांद सूरज और सितारों को रोशनी बख्शी, जिस रब ने आपके लिए रंग रंग मौसम पैदा किए, जिसने आपके लिए शहद को मीठा बनाया, नमक को कड़वा बनाया, फूलों को रंग और खुशबू बख्शी, वो रब जिसने आपको वालिदैन से नवाजा जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो रब जिसने जमीन को हुक्म दिया है